प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज मंगलोर काकड़ी का सांभर बनाएंगे। मंगलोर काकड़ी सांभर बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, मंगलोर काकड़ी को धो के अंदर का बीज निकाल करके ऐसा पीस पीस काट लिया है। ये कलर वाला मिर्ची है जिसको बैडगे मेंसिन का कहते हैं कन्नड़ा में। आंवला जितना बड़ा इमली का जूस निकाल के रखा है। धनिया 1-2 स्पून, आधा स्पून राई, काली मिर्ची 1/2 स्पून, हल्दी, जीरा 1/2 स्पून, चने का दाल 1 स्पून, उड़द का दाल 1 स्पून, 50 ग्राम तुअर का दाल बॉयल करके लिया है। चोंग के लिए कड़ी पत्ता, 2 लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता, गुड़, नमक, ऑयल, पहले कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। काट के रखा था ना, वो पीसेस इसमें डाल रही हूँ। ये थोड़ा ऐसा फ्राई कर लेंगे, 2-3 मिनट के लिए ऐसा फ्राई कर लेंगे। देखिए, अभी इसको निकाल देंगे एक बर्तन में, उसमें थोड़ा पानी डाल के गुड़ डाल रही हूँ, हल्दी, अभी उसको बॉईल करने रख देंगे। अभी कढ़ाई में चने का दाल, उड़द का दाल, थोड़ा 1 स्पून ऑयल डाल के इसको भुनेंगे। 1/2 स्पून मेथी, इसको रोज कलर फ्राई करेंगे। देखिए थोड़ा कलर चेंज हो रहा है। वो काकड़ी बॉईल होने तक ये मसाला सारा भून लेते हैं। काली मिर्ची डाल रही हूँ, जीरा, धनिया, लाल मिर्ची, अच्छी तरह से भून लेंगे। एक कप नारियल, इसको भी लाइटली भून लेंगे। देखिए ये पक रहा है और थोड़ा पकना है। अभी जो भून के रखा था ना, वो ठंडा करके मिक्सी जार में डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता भी इसके साथ डाल रही हूँ। मिक्सी बंद करके पीस लेंगे। देखिए कितना अच्छा ये पक गया है। देखिए चाकू डालने से अंदर जा रहा है। अभी इसी में दाल बॉयल करके रखा था ना, वो डाल रही हूँ। इमली का रस डाल रही हूँ, नमक, जो मसाला पीस के रखा था ना, वो भी इसी में डाल रही हूँ। मिक्सी धो के वो पानी भी इसी में डाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा ये बन रहा है। जितना हमको गट चाहिए रख सकते हैं। ये चपाती चावल के लिए बहुत अच्छा होता है, मुद्दा, चपाती, चावल।
देखिए अच्छा मिक्स हो गया है। ये 2-3 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। अभी इसको चौंक देंगे। कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म होने के बाद राई, मिर्ची, करी पत्ता, हींग डाल के इसमें चौंक डाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा बन गया है। अब मंगलूर काकड़ी का सांबर रेडी हो गया है। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। मंगलूर काकड़ी का सांबर रेडी।